वेलकम दोस्तों, मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका स्वागत है। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ भी आपको आइडिया वगैरह हो वो बताइए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस आपको 2021 में अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट के जो तरीके होते हैं मार्केट में वो आपको बताएंगे। आप छोटे छोटे पैसे थोड़े थोड़े सेव कीजिए और सेव करके अपने आजकल के डिजिटल युग में ये पैसे बड़े बनाइए और साथ में अपने हेल्थ और वेल्थ इन सब का आप ध्यान रखते रहिए और आगे बढ़िए और इन्वेस्टमेंट करते करते अपने घर बनाइए, अपने सपने को जिए और सही समय है कि टाइम इन्वेस्टमेंट जो रहता है कि कौन सा टाइम में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है वो कीजिए। आप दोनों हाथों से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो भी चलेगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से उतने पैसों पे आप खड़े हो जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अभी आपको कोई तकलीफ वाली बात नहीं है कि आप खाली देखते रहें कि यहाँ पर पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे बनेगा। आप रिलैक्स हो जाइए, पैसे के ऊपर बैठिए, पैसों के बंडल के ऊपर बैठिए और आगे बढ़ते रहिए। पैसा जो है एक उंगली से जैसे खेलते खेलते बढ़ाते जाइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है वो आप आगे ध्यान दीजिए। छोटा छोटा पैसा जो है आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और अच्छा अच्छा जो दूसरे रास्ते हैं, हमारे पास बहुत सारे टाइप के रास्ते हैं जिसमें बॉन्ड, इक्विटी, म्यूचुअल स्टॉक, रियल स्टेट, कमोडिटी सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आजकल का डिजिटल युग है, डिजिटल युग के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट करते ही उसका ग्रोथ आपको पाना है। तो अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास है स्टॉक मार्केट, जो सही समय है स्टॉक मार्केट में कमाने के लिए। तो स्टॉक मार्केट में लोग कहते हैं कि कहाँ कहाँ पे कमाए, तो बहुत सारी जगह है, आईपीओ है, अपना कमोडिटी है, करेंसी है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस हैं, कभी सेल करना है, कभी बाय करना है, वो तो एक अलग अलग इंट्राडे और डेली पोजिशनल के हिसाब से वर्कआउट करना है। आपका छोटा पैसा, बड़ा पैसा कौन सी सीढ़ी पर लगाना है हम आपको बताएँगे। और आज हम आपको बताएंगे कि पैसे का जो टर्म्स हैं वो कहाँ पे होना चाहिए, किधर होना चाहिए। अभी हमारे पास एक पैसे का जार मिला हुआ है जहाँ पे आप पैसे लगा के बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। इसके लिए छोटा छोटा पैसा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और ग्रोथ पाइए लंबी चौड़ी, बहुत सारी ग्रोथ आपको मिलती रहेगी और उसका आप फ़ायदा उठाते रहेंगे। और फ़ायदा जो मिलेगा उससे आप पैसे कहेंगे कि हमारे पास पैसों का पेड़ आ गया है। तो अभी आपके पास आ गया है सही समय इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट कीजिए और ऐसी जगह पे कीजिए जहाँ पे ग्रोथ बढ़े। तो अभी भी छोटा छोटा पैसा आप जमा कीजिए, थोड़ा पैसा बड़ा बनाइए और अलग अलग टाइप के अभी हम आपको हमारी ये चैनल से आपको बेनिफिट बताएंगे कि कौन से शेयर में कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसा करना है और ग्रोथ पाएंगे। आजकल पूरी दुनिया जो है ग्रोथ के ऊपर चल रही है, सब लोग ऊपर नीचे व्यापार करते रहते हैं, बेनिफिट पाते रहते हैं। आपको हमें कोई कंसल्टेंसी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, हम जो गाइड करेंगे आपको आपके बेनिफिशियल के ऊपर ही गाइड करेंगे। हमारे पास अभी कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह वीडियो नहीं है, जब स्पॉन्सर्ड वीडियो रहेगा तो हम आपको बता देंगे कि ये हमारे स्पॉन्सर्ड वीडियो है। पर ये जो एनालिटिकल और फंडामेंटल बेसिस के ऊपर हम लोग आपको ग्राफ बताएंगे, वो ग्राफ की स्टडी के ऊपर आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है वो आप फ़ायदा ले सकते हो वो बताएँगे। आप अपना कैपिटल गेन बढ़ा सकते हैं उसमें और अपना कैश फ्लो आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में पैसा तो सबके पास रहता है और तो पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ करना रहता है वो पता नहीं रहता है। तो अभी आप हमारे साथ जो बेसिक है इन्वेस्टमेंट का वो सब देख लीजिए
शेयर मार्केट के कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास अभी, तो वो हम आपको शेयर मार्केट के ऑप्शंस बता देते हैं, तो जिससे आप ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे और फ़ायदा आपको मिलता जाएगा। लोग कहते हैं शेयर मार्केट में कितना भी इन्वेस्टमेंट करो कम है, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर है। आप अपनी अलग अलग कैपेसिटी से हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। कम से कम अपने इंडिया के शेयर मार्केट में पहले लाखों कंपनियां रजिस्टर्ड थी, पर अभी 4,500-5,000 एक्टिव कंपनियां जो हैं वो ट्रेड कर रही है। 2002 के बाद जो रिवोल्यूशन आया है मार्केट में, उसमें अभी तक 2021 तक आप देखेंगे 700 रुपए की जो कंपनियां थी उन्होंने 80,000 रुपए का भी रेट लेके बैठी हुई है। 18 रुपए की जो कंपनियां थी वो 13,000 रुपए का रेट लेके रखी हुई है। 2 रुपए की कंपनी थी वो 2,500 रुपए का रेट लेके रखी हुई है। तो इस तरह बहुत सारी BSE और NSE में बहुत सारी कंपनियों ने रिटर्न दिया है। तो आज एक ऐसी कंपनी ने रिटर्न दिया, उसका नाम है अतुल। अतुल जो है अतुल लिमिटेड करके कंपनी है, जो हम आज बात करेंगे अतुल केमिकल के बारे में। अतुल केमिकल जो है ऐसा केस स्टडी है जो मल्टी बैगर हैं आज की तारीख में। कस्तूरबाई लाल भाई ने 1947 में उन्होंने कंपनी बनाई थी और टोटल 100 अपने यूके, यूएस, यूएई वहाँ पे ये लोग अपने सब्सिडीज़ बना के रखे हुए हैं। अभी इनके मैनेजमेंट में मिस्टर लाल भाई और उनके टोटल रिलेटिव्स वगैरह हैं, और सुनील लाल भाई, भारतीय मोहन लाल, और ये कंपनी पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में इनके ऑफिस का इनॉग्रेशन किया था वलसाड़ में, और ये केमिकल का डैडी माना जाता है। ये जो कंपनी है केमिकल के डैडी के नाम से मशहूर है वलसाड़ में। इन्होंने इतना ग्रोथ किया है कि अभी अतुल का एक रेलवे स्टेशन भी है, अतुल नाम से रेलवे स्टेशन भी है। अतुल केमिकल जो है 1,250 एकड़ में फैली हुई पहली इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो गुजरात के अतुल में है। और ये जो मोस्टली जो प्रोडक्ट बनाते हैं अपने इंडिया में और एक्सपोर्ट करते हैं कम से कम 25 से 30 कंट्रीज़ में, और इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं आज की तारीख में 3,000 के आसपास इनके पास स्टाफ है। और कंपनी मोस्टली जो एग्रेसिव है वो खेती के जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, जो केमिकल्स वगैरह हैं, जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स रहते हैं उसके लिए, फॉर्मेशन केमिकल्स रहते हैं उसमें वो ग्रोथ कर रहे हैं। और अतुल जो कंपनी है ये BSE और NSE में है, और BSE NLC में इन्होंने मल्टी बैगर बनाया हुआ है। अगर आपने 20 साल पहले 1 रुपया डाला रहता तो आज आपका 8 करोड़ बन जाता, क्योंकि आज उसका भाव है 9,382 रुपया, जो एक टाइम इस कंपनी का भाव था सिर्फ 22 रुपया। और इसका जो ये साल का मूविंग एवरेज है 5,700 से 10,000 का, और कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 27,000 करोड़ का है, और इसका जो रेवेन्यू है 3,700 करोड़ का है, और इसका नेट प्रॉफिट भी 650 करोड़ का है। 220 करोड़ के ऊपर इसका VVS है, BVPS भी 1,800 करोड़ के ऊपर है, और कंपनी जो है ROE भी 17% के करोड़ के आसपास है, और इक्विटी पे थोड़ा डेप्ट है। प्रमोटर टोटल 45% प्रमोटर लेके बैठे हुए हैं, सिर्फ 1.5% प्लेज है उनके शेयर्स। और अतुल जो है BSE और NSE दोनों में ट्रेड कर रही है। अतुल जो है BSE 200 में भी है, इसका जो मूविंग एवरेज है मिनिमम 200 का 7,900 पे है। 50% लोग बोल रहे सेल करो, 50% लोग बोल रहे बाय करो, तो ये स्टॉक मार्केट की बहुत मल्टी बैगर कंपनी है। और स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां,
जो नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, पर ये एक जेम्स है। हमारे पास डार्क साइड भी कंपनियों का हमने अनुभव लिया हुआ है, पर हमको अच्छी कंपनियां चुन के आपको देना है ताकि आप जो है इसके अंदर इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, और कमा के खुद मेहनत करके और पैसे को भी मेहनत करवा के अपने जो ड्रीम्स कार है, ड्रीम सपने हैं वो आप ले सकते हैं, वो आप पूरे कर सकते हैं। आप अपने ड्रीम होम वगैरह लीजिए, ऐसा जो है खुद भी मेहनत कीजिए और पैसे को भी मेहनत कराइए। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, आप भी ग्रोथ कीजिए, डेवलपमेंट सब जगह चालू है, और अपना जो स्टॉक का पोर्टफोलियो का ग्राफ है वो इस तरह आगे बढ़ता रहता है। कुछ मल्टी बैगर्स कंपनियों के साथ जुड़ के रहिए, और हमारा जो चैनल है मनी लाइन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट उसको आप आई कीजिए, और जो शेयर होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए, और हमारे चैनल को मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। थैंक यू।